क्या आप जानते हैं गर्म पानी मोटापे के शिकार अफराद के लिए कितना फायदेमंद है? अस्सलाम वालेकुम, आई एम जोहा सुहेल एंड वर्किंग एज अ सीनियर लेक्चरर राशनलिटी मेडिकल कॉलेज एंड क्लिनिकल न्यूट्रिशन एट मरहम। आज मैं आपके साथ बात करूंगी गर्म पानी पीने के फायदे के हवाले से कि गर्म पानी पीने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं, हमें किस टाइम पर इसका इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए और कितनी मिकदार में करना चाहिए और किस मौसम में करना चाहिए ताकि हम इसे अफादत हासिल कर सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करवाएं तो आप मरहम की ऐप पे सिंपल इस आइकन पे क्लिक करके आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे गर्म पानी के फ़ायदे के हवाले से। सबसे पहले, गर्म पानी उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है जिनके अंदर मोटापे की एक्सेस होती है, जिनमें फ़ैट कॉन्टेंट, चर्बी का कॉन्टेंट नॉर्मल इंडिविजुअल से ज़्यादा होता है। गर्म पानी उसको पिघलाने के लिए, उसको बर्न करने के लिए बहुत अहम किरदार अदा करता है। तो वो लोग जिनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में फ़ैट मौजूद है वो इसका इस्तेमाल लाजमी करें। इसके साथ साथ गर्म पानी उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है जिनको सर दर्द का मसला रहता है, क्योंकि गर्म पानी के इस्तेमाल से हमारे जो नर्व्स हैं वो रिलैक्स होते हैं। जिन नर्व्स के अंदर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, जिनमें टेंशन बहुत ज़्यादा होती है, वो रिलैक्स होती हैं, जिसकी वजह से वो लोग जिनको हेडेक की शिकायत होती है, सर में दर्द की शिकायत बहुत ज़्यादा होती है, गर्म पानी के इस्तेमाल से उनका ये मसला ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा गर्म पानी हमारे खून की जो सर्कुलेशन है उसको इम्प्रूव करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत से लोग खाना ठीक कंज्यूम करते हैं लेकिन वो ये शिकायत करते हैं कि हमारे अंदर कमज़ोरी, नकाहत बहुत ज़्यादा होती है। उसके पीछे एक बेसिक रीज़न क्या होती है कि आपकी जो खून की सप्लाई है आपके ऑर्गन्स तक बिल्कुल प्रॉपर नहीं है, किसी भी वजह से आपकी जो खून की सप्लाई वो रुक सकती है। गर्म पानी खून की सप्लाई यानी कि ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, जिसकी वजह से आपके ऑर्गन्स तक हर न्यूट्रिएंट खून प्रॉपर अमाउंट में जाता है, प्रॉपर तरीके से उसको नरिश करता है, जो हमारी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा गर्म पानी कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से ओल्डर एडल्ट्स को आजकल कॉन्स्टिपेशन का मसला बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, तो अगर आप इस मसले से बचना चाहते हैं तो गर्म पानी का इस्तेमाल लाजमी रखें, क्योंकि गर्म पानी हमारी जो बाउल मूवमेंट्स हैं यानी कि जो हमारी आंतों की जो मूवमेंट है जिसने स्टूल की फ्रिक्वेंसी को इम्प्रूव करना होता है, उसकी फ्रिक्वेंसी को नॉर्मलाइज़ करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और इसके अलावा गर्म पानी उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल जिनको नेज़ल कंजेशन का मसला रहता है, जिनको नाक से रिलेटेड मसाइल बहुत ज़्यादा रहते हैं, म्यूकस का मसला बहुत ज़्यादा रहता है, अगर वो इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसके इस्तेमाल से वो इस मसले से बच जाएंगे। अब सवाल ये आता है कि गर्म पानी का इस्तेमाल किस वक्त पर किया जाए। गर्म पानी का बेहतरीन वक्त है सुबह नहार मुख, खाली पेट अगर आप एक गिलास गर्म पानी यानी कि ल्यूक वॉर्म वाटर, जिसको नीम गर्म पानी कहते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, तो उसके इस्तेमाल से आपकी बॉडी के अंदर जो मौजूदा टॉक्सिन्स हैं, जिनको हम ऐसे मादे कहते हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह है, उसको हमारी बॉडी से फ्लश आउट कर देते हैं, आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में रोल प्ले करते हैं, आपके निज़ाम हज़म को इम्प्रूव करते हैं। तो अगर आप रोज़ाना सुबह एक गिलास गर्म पानी का कंज्यूम करते हैं तो इसके इस्तेमाल से आपकी बॉडी के अंदर जो गैर जरूरी मादे हैं जिनको टॉक्सिन्स कहा जाता है उसको भी खारिज करने में रोल प्ले करता है, और साथ साथ आपका निज़ाम हज़म को इम्प्रूव करता है। और जहाँ ये सवाल आता है कि कितना गर्म पानी कंज्यूम करना चाहिए यानी कि कितना टेम्परेचर हो उसका, तो जैसे मैंने बताया कि नीम गर्म रखना है। अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं तो आपके सोफिगस को, आपकी जो खुराक की नाली है उसको ख़राब करने में ये रोल प्ले कर सकते हैं, आपके टेस्ट बड्स को ये मुतासर कर सकते हैं। तो इतना ज़्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं करना, बस नीम गर्म पानी तक रहें, और दिन में 3 से 4 ग्लास गर्म पानी के आप लाजमी इस्तेमाल करें ताकि आप इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करवाएं तो आप मरहम के ऐप पे मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। और अगर कोई भी क्वेरीज है आपके, कोई भी सवाल है आपके, तो सिंपल कमेंट सेक्शन में जाके आप अपना सवाल हमें दे सकते हैं।